आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख, आवाज घर घर की। लोग आप सब लोगों को जुलो सलाम। आप लोगों को मालूम है कि आज पूरे दिन भर जो है ना हमारे जनरल काउंसिल मीटिंग का रिव्यू मीटिंग हुआ करगिल की इस कॉन्फ्रेंस हॉल में, और उसके बाद मीटिंग कंक्लूड करने के बाद हमने 4 पॉइंट रेजोल्यूशन से यहाँ पे पास किया है, जिनमें हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स 23 लोगों ने सिग्नेचर करके हैंड रेस करके इस रेजोल्यूशन को पास किया। और रेजोल्यूशन लाने की ज़रूरत क्या था वो आप सभी लोगों को मालूम है कि पोस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में इस वक्त काफ़ी मुश्किलात से लोग को वो हो रहे हैं, दो चार हो रहे हैं। खासकर उसके बाद लेह में एपेक्स बॉडी और करगिल में केडीए बनाने की ये नौबत आई। लद्दाखियों की इस ख्वाहिशत को आगे रखने के लिए हिल काउंसिल करगिल के सारे ऑनरेबल काउंसलर्स ने ये सोचा कि हमें लद्दाख को सिक्स शेड्यूल के दायरे में ला के हमारे जितने भी प्रोटेक्शन से उनको इंश्योर किया जाए, जिसमें लैंड प्रोटेक्शन है, कल्चर प्रोटेक्शन से, जॉब प्रोटेक्शन से, और साथ साथ में खासकर हिंदुस्तान के बाकी जगहों पे, खासकर आसाम जैसे बॉर्डरलैंड एरिया में ट्राइबल एथनिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको अपने हिसाब से अपने माहौल में अपने एनवायरमेंट में ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है जिसको सिक्स शेड्यूल बोला जाते हैं। आजकल लोगों ने एक नोशन लगाया है कि सेफ गार्ड बोल के, लेकिन सेफ गार्ड में जितने जो भी पॉइंट वो लोग डिमांड कर रहे हैं वो इसी सिक्स शेड्यूल में कवरअप होते हैं। और सिक्स शेड्यूल में उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोविजन्स हैं, जिसमें एक पैरा मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि पैरा 3C में हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब को, या इन द केस ऑफ लद्दाख ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, लद्दाख में ही न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने का वो प्रोविजन इसमें है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्रिएट करने का वो प्रोविजन इसमें है। तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे LHDC कारगिल के काउंसिल ने आज सिक्स शेड्यूल को एक रेजोल्यूशन के शेप में यहाँ पे थम्पिंग मेजोरिटी से पास किया। साथ साथ में लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हमारे यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन से, दूसरा LHDC से है, तीसरा पंचायती राज है। इन तीनों के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या बिजनेस रूल्स है, किसका क्या प्रोटोकॉल है, वो अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट के शेप में नहीं आया, जिसकी वजह से लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में बहुत सारे दिक्कतें आ रहे हैं। उन चीज़ों को दूर करने के लिए, आने वाले जनरेशन को एक रास्ता दिखाने के लिए हमारे लद्दाख के लोगों ने ये सोचा है, डिमांड की सूरत में जो है ना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बातें पहुंचाया है कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, ताकि हमारे यहाँ के लोग पांडिचेरी के बेस पे, चाहे हमारे दिल्ली के यूनियन टेरिटरी के बेस पे, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बने, हमारे अपने CM बने, यहाँ के लोग जो है ना लद्दाख के लोग लद्दाख का एस्पिरेशन के हिसाब से यहाँ की हुकूमत करे, जो पूरे हिंदुस्तान में जितने भी जिस जगह पे भी इस किस्म के डिमांडें हुआ है, फक्तन और फक्तन वहाँ पे जो है ना स्टेटहुड का दर्जा या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यूटी का दर्जा उन लोगों को मिला है। तो जब सिक्किम को स्टेट बनाया गया था 1970s में, तब सिक्किम का पॉपुलेशन जो है ना 2 लाख के आसपास था, आज लद्दाख का पॉपुलेशन 4 लाख के आसपास है। तो हम पूरे डिजर्व करते हैं, और लद्दाख 97% से above जो ना हम लोग ट्राइबल पॉपुलेशन है, शुरू टाइप से बिलोंग करने वाले लोग हैं, और खासकर इंडो चाइना बॉर्डर पे हमारा सिचुएशन से, पाकिस्तान के बॉर्डर पे हम लोग सिचुएटेड है। तो इस एरिया को जो ना प्रोटेक्ट करना, इस एरिया के लोगों को और मखसूस जो ना एडमिनिस्ट्रेटिव वे से जो ना इनको एम्पावर करना बहुत ज़रूरत बन गया है। तो उन चीज़ इस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने स्टेटहुड के लिए भी ये रेजोल्यूशन लाए हैं, और साथ साथ में अभी तक लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन जो एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ के पॉपुलेशन करीब करीब दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो है ना एक बुद्धिस्ट सेक्ट को बिलोंग करने वाले लोग हैं और दूसरे इस्लाम सेक्ट को, हमेशा पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान यहाँ पे लोगों को जो है ना मजहब के नाम पर लड़ाया जाता है, किसी और की चीज़ पर लड़ाया जाता है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमने ये चीज़ सोचा है कि अगर लद्दाख को 2 पार्लियामेंट्री सीट मिलता है तो हमेशा हमेशा के लिए ये चीज़ खत्म हो जाएंगे और लद्दाख तरक्की और बढ़ेंगे। तो इसलिए हमने 2 पार्लियामेंट्री सीट की डिमांड करते हैं, उस चीज़ का भी रेजोल्यूशन यहाँ पे अभी पेश किया है। और साथ साथ में खासकर यंग जनरेशन का, अनएम्प्लॉयड लोगों का, एजुकेटेड लोगों का एक बहुत बड़ा उनमें एक रिजेंटमेंट है कि यूटी बनने के बाद 2019 के बाद 3 सालों में लद्दाख से एक भी गजेटेड ऑफिसर यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। आप सभी लोगों को मालूम है 19 से पहले
जम्मू कश्मीर के पब्लिक सर्विस कमीशन के दौरान यहाँ के इंजीनियर्स AEE बनते थे, डॉक्टर्स मेडिकल ऑफिसर बनते थे, लेक्चरर्स बनते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनते थे, और जम्मू कश्मीर में जितने भी शेड्यूल टाइप कोटे में रिजर्व सीट होते थे वो मैक्सिमम लद्दाखी लोग उसको क्लेम करके वहाँ पे बनते थे। और पोस्ट यूटी में आज तक लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बना है, अभी तक रूल नहीं बना है, और अभी तक बहुत सारे बच्चों का एज भी जो है ना ओवर हो चुके हैं। उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ के एस्पिरेशन को आगे रखते हुए हमारे काउंसिल ने यह सोचा है कि लद्दाख में लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनना चाहिए, और लद्दाख उनके लिए लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी होना चाहिए, ताकि लद्दाख से ही लद्दाखी लोग गजेटेड ऑफिसर बने और यहाँ के लोगों की खिदमत करें। तो इन्हीं चार पॉइंट पे हम लोग रेजोल्यूशन लाया है, और मुझे बड़ा खुशी है, और मैं मशकूर हूँ हमारे ऑनरेबल काउंसलर जो कॉलिशन सरकार में हम लोग हैं उनके भी हमें मशकूर हूँ, और साथ साथ हमारे कांग्रेस के ऑनरेबल काउंसलर साहिबान ने भी करगिल और पूरे ओवरऑल लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस को समझते हुए इस रेजोल्यूशन पे इन्होंने अपना तावन दे के इसको पास किया। बने रहिए STV लद्दाख के साथ, आवाज़ घर घर की।